नमस्कार, मेरा नाम आरती खरवे, मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा बिलवाड़ा में अध्ययनरत हूँ। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ और सीनियर वर्ग से हूँ। सबसे पहले मैं साहित्य मंच का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो ऐसे अवसर हम छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध कराते हैं जिसमें हम अपनी प्रतिभाओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी कविता के कुछ भाव और विचार आप सबके सामने साझा करना चाहती हूँ। मेरी कविता उन लोगों के विचार या बुरी सोच से है जो लड़कियों को कमजोर समझते हैं, उन्हें दासी बनाकर रखते हैं और उन्हें एहसास दिलाते हैं कि वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। या उनका जीवन केवल रसोई या घर तक ही सीमित है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियां अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकती है और बहुत आगे बढ़ भी सकती है। इसी के साथ मैं अपनी कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ या सुनाना चाहती हूँ। नारी हूँ पर कमजोर नहीं, अबला हूँ पर डरपोक नहीं। जिस तरह तुमने मुझे बांधा था बेड़ियों से, एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तोड़कर इन बेड़ियों को आसमान में उठ जाऊंगी। हर सपना साकार कर मैं तुम सबको दिखलाऊंगी। मुझे कमजोर मत समझना। तुमने मुझे कमजोर समझा मैं बहादुर बन दिखलाऊंगी। अपनी हिम्मत मेहनत से यह सारा जग बदल कर मैं तुम्हें दिखलाऊंगी। नारियों पर कमजोर नहीं। तुमने मुझे दासी बनाकर रखा। क्या तुम नहीं जानते उस झांसी वाली रानी को जिसने तुम्हें आजाद कराने में भूमिका निभाई। वही नारी हूँ मैं। अभी भी इतना साहस रखती हूँ। मुझे कमजोर मत समझना। तुमने मुझे कमजोर समझा क्योंकि मैंने तुम्हारा विरोध नहीं किया। कमजोर या डरपोक नहीं थी मैं। ये तो मेरे धैर्य और सहनशीलता थी जो मैंने सोचा कि तुम एक दिन सुधर जाओगे, नारियों का सम्मान करना सीख जाओगे। लेकिन गलत थी मैं। ए इंसान तेरा अब भी वही है हाल। लेकिन आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी नारियों का सम्मान करना और उस स्वर्ग को इस धरती पे लाऊंगी। जय हिंद। धन्यवाद।